आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। सिस्टम और सरकार को शर्मसार करने वाली एक बड़ी खबर दुमका से मिली है। गरीबों की दुहाई और आदिवासियों की भलाई करने का दम भरने वाले राजनीतिक दल, चाहे पूर्ववर्ती सरकार भाजपा की हो या चाहे वर्तमान हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार की, कमोबेश दोनों ही सरकारों की समानता यही है कि आम गरीबों की पीड़ा सरकार जल्दी नहीं सुनती, क्योंकि उनका कोई लेजनर नहीं होता, कोई पैरवीकार नहीं होता, कोई सांसद या मंत्री तक पहुंच नहीं होती। यही कारण है कि ऐसे दिव्यांग गरीबों को न्याय पाने के लिए एक दो महीने नहीं बल्कि दो वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता, जबकि योजनाएं उनके लिए ही बनाई जाती हैं। इस सिस्टम को हम क्या कहें, सरकार की नाकामी या सरकारी अफसरों की लाटशाही, जो एक गरीब दिव्यांग व्यक्ति को पिछले दो वर्षों से कार्यालय के चक्कर लगवा रही है। आरपी भारत ऐसे गरीब दिव्यांगों की आवाज है, हम इनकी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे असहाय गरीब आदिवासियों की फरियादों को सुने और न सिर्फ इनकी समस्या सुलझाएं, बल्कि दो वर्षों से प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगवाने वाले संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसे कार्रवाई से फिर कभी दूसरा कर्मी या अफसर किसी दिव्यांग को दो वर्ष तक प्रखंड के चक्कर नहीं लगवाएगा। बात है दुमका सदर प्रखंड के राजबांध पंचायत के मोगुल बना गांव की। इसी गांव का एक गरीब आदिवासी दिव्यांग शिवचरण हांसदा, जो पिछले दो वर्षों से दिव्यांग पेंशन के लिए दुमका प्रखंड कार्यालय के चक्कर काट रहा है, लेकिन प्रखंड कार्यालय ने इस दिव्यांग को आज तक कोई राहत नहीं पहुंचाई। शर्म है ऐसे सिस्टम पर जहां एक दिव्यांग को भी सरकारी लाभ लेने के लिए दो वर्षों तक इंतजार करने के बाद भी उसे दिव्यांग पेंशन नहीं मिलती है। शिवचरण हांसदा के पास बकायदा दिव्यांग सर्टिफिकेट भी है, इसके बावजूद भी वह दो वर्षों से पेंशन पाने से वंचित है। शिवचरण हांसदा दोनों पैर से विकलांग है, वह चल फिर नहीं सकता है, वह रेंग रेंग कर चलने के लिए बेबस है। बावजूद शिवचरण दो वर्षों तक रेंग रेंग कर दुमका प्रखंड कार्यालय का चक्कर पिछले दो वर्षों से लगाए, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। उसने दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी दिव्यांग पेंशन देने का आग्रह किया है, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं। शिवचरण का कहना है कि वह इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जाकर मुलाकात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर मुझे पेंशन क्यों नहीं मिलती है, अपनी पेंशन के लिए उनसे आग्रह करेंगे। अगर ऐसे ही गरीब दिव्यांगों को दो वर्ष तक सरकारी लाभ के लिए झेलना पड़ेगा तो लोगों की जुबान पर बस एक ही बात की चर्चा होगी कि सरकार का सिस्टम पूरी तरह फेल है। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। आपका पेंशन का क्या समस्या है? मेरा पेंशन का समस्या है कि नहीं बनता है, दो साल से दुमका ब्लॉक घूरते हैं फिर भी नहीं बनता है। हेमंत सोरेन जी, लेकिन बनवाना चाहिए पेंशन, वही हमारा कहना है आपसे, दे दीजिए पेंशन जल्दी। क्या नाम है आपका? शिवचरण हांसदा। कहाँ का? मोहल बना घर है, पंचायत राजभवन दुमका ब्लॉक।